अलैकुम बच्चों, कैसे हैं सब? आज हम सफ़ा नंबर 43 पर बाइसिकल की तालीम सबक के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ के बुज़ुर्गों को उनकी दिली कैफियत का इलम किस तरह हुआ होगा? कम से कम दो वजूहात लिखिए। तो आपको इस सवाल का जवाब पहले पैराग्राफ में मिलेगा कि मुसन्निफ़ जो हैं वो हसद भरी निगाहों से साइकिल चलाने वालों को देखते थे और हर वक्त साइकिल की सवारी के हवाले से ही बातें करते रहते थे। तो इन बातों से मुसन्निफ़ के बुज़ुर्गों को इनकी दिली कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। सवाल नंबर दो है, मुसन्निफ़ को पहली बार साइकिल चलाने का मौका कैसे मिला? तो आपको इसका पैराग्राफ नंबर दो में इसका जवाब मिलेगा कि एक दिन इनके बुज़ुर्गों से एक मेहमान बाईसाइकिल पर सवार तशरीफ़ लाए थे मिलने के लिए। तो मुसन्निफ़ जो है वो इनका साइकिल लेकर घर से निकल जाते हैं। इस तरह पहली दफ़ा उन्हें साइकिल की सवारी का मौका मिला था। सवाल नंबर तीन है, बुज़ुर्गों ने क्या तय किया था? इसका जवाब भी पैराग्राफ नंबर दो में ही है कि बुज़ुर्गों ने पहले ये तय किया था कि इन्हें कोई पुरानी बाइसाइकिल लेकर दी जाए जिस पर वो मशक कर लें और फिर उसके बाद उन्हें नई साइकिल ख़रीद कर दे दी जाए। सवाल नंबर चार है, मज़मून के अख्ताम में ऐसा क्या हुआ होगा जो नाकाबिले तहरीर था? तो जैसे कि आप इस सबक को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसन्निफ़ जब साइकिल लेकर चले जाते हैं और फिर घर वापस आते हैं तो साइकिल का जो हैंडल है वो भी ख़राब हो चुका होता है और फिर यकीनन ख़राब साइकिल की हालत देखकर घर वालों ने उनकी खूब दुर्गत बनाई होगी जो कि नाकाबिले तहरीर थी। आप इसका जवाब अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। सवाल नंबर पाँच है, इस मज़मून का कौन सा हिस्सा आपको बहुत मज़ेदार लगा? नकल कीजिए। तो आपको जो हिस्सा मज़मून का बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, आप उसको लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सवालात समझ में आए होंगे।